अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं मिस्टर टॉक मोबाइल का ब्यूटी पार्लर एंड गैजेट बार। एड्रेस रजबन का पुल नियर हनुमान चौक मेरठ। एक जमाना था जब परिजन अपनी बेटी को दूल्हे पक्ष की हर बात सर माथे लगाकर विदा कर देते थे। जमाना बदला तो दुल्हन भी यह साहस करने की स्थिति में आ गई कि अब वह अपने साथ बुरा करने का अधिकार किसी को नहीं देगी। लखीमपुर खीरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दूल्हा दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत था और नशे में ही वरमाला डालने की कोशिश कर रहा था। युवती ने जब उसकी यह हालत देखी तो वह आगे बढ़ी और उसने शराबी दूल्हे के साथ जीवन निभाने से साफ इनकार कर दिया। दुल्हन का कहना था कि जब शादी के दिन उसका यह हाल है तो आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मामला लखीमपुर खीरी के मैलानी थाने के कस्बे का है, जहां बरेली से विजय नामक युवक की बारात मैलानी आई थी। बारात में सब लोग नाच गाने में लीन थे, लेकिन दूल्हे की हरकत देख दुल्हन कस मसा कर रह गई। दरअसल दूल्हा दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और नशे में धुत था। जयमाला तक बात पहुंची तो नशेबाज दूल्हे की अजीबोगरीब हरकत देख दुल्हन से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़ते ही शराबी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। दुल्हन का कहना था कि उसके माता पिता व भाई ने एक एक पैसा जोड़कर उसकी शादी की थी, लेकिन दूल्हा शराब के नशे में धुत था। युवती के इस रुख को देखकर वहां हंगामा शुरू हो गया और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस को देखकर बारातियों में हड़कंप मच गया और वे रफू चक्कर होने लगे। आइए देखते हैं क्या बता रही है पीड़ित युवती। जब गलती कर रहा है तो अपने साथ लेके कोई नहीं होना। अच्छा सर, आपका नंबर पता है? नहीं सर, परेशान नहीं है। भाई खराब क्यों हो रही है? नहीं तो करना है तो उसका हो जाएगा।